हेलो बच्चों, मैं दीपक प्रसाद, क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 2 का यूनिट मेजरमेंट का थर्ड लेक्चर भी लेकर के आया हूं। फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बता दिया था डायमेंशनल एनालिसिस, उसके बाद में आप लोगों को बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, या इसी को और सिंपल में समझना है तो ये भी आप कह सकते हैं यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कहां कहां है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, या उसी को सिंपल वे में समझना है तो आप उसको कह सकते हैं यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कहां कहां है, पॉइंट नंबर फर्स्ट आप लोगों को मैं बताऊंगा टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन को चेक करने में डायमेंशनल एनालिसिस का यूज आता है। यदि कोई भी फिजिकल इक्वेशन दिया गया है तो आपको चेक करना रहता है वह फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो उसको चेक करने का तरीका यह है फिजिकल इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर दोनों इक्वल है तो हम कह सकते हैं जो यह फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू होना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड। कोई भी फिजिकल इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल है तो हम कह सकते हैं वह फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है। तो एग्जांपल लेकर के समझते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, यहां पर देखिए E बराबर MC स्क्वायर। अब इसको मुझे चेक करना है कि यह फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो हम क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ई। डायमेंशनल फॉर्मूला ई मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में है, डायमेंशनल फॉर्मूला लेफ्ट साइड में। हम जानते हैं एनर्जी आपको वर्क के बराबर होगा, जो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही एनर्जी का भी होगा, क्योंकि एनर्जी का भी ऐसा यूनिट होता है जूल और वर्क का भी ऐसा यूनिट होता है जूल, तो जो वर्क का होगा डायमेंशनल फॉर्मूला वो भी एनर्जी का होगा। तो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, फिर से एक बार इमेजिन कर लीजिए वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा MLT^-2 और डिस्प्लेसमेंट का होगा L, तो फाइनली हो गया ML²T^-2। तो ये आपका निकल गया एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। उसी प्रकार MC² का निकालना है तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ MC² यानी राइट हैंड साइड। M हो गया मास, C हो गया स्पीड ऑफ लाइट, मतलब लाइट का स्पीड, तो मास का ऐसा यूनिट होता है kg, स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो हम भी क्या कर देंगे स्क्वायर लगा देंगे, तो यहाँ हो गया kg, ये हो गया मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय s² बटा को पलटेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर s²-2। अब डायमेंशन kg को डिनोट करते हैं कैपिटल M से, मीटर को कैपिटल L से, ऊपर में स्क्वायर तो स्क्वायर और सेकंड में स्क्वायर t^-2। देख रहे हैं आप लोग ML²t^-2 ML²t^-2 मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल है तो हम कह सकते हैं E = MC², यह फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है। तो फिर आप लोगों को हम एक और एग्जांपल लेकर के समझा रहा हूं, एग्जांपल नंबर 2 देखिए T = 2π√L/g। T हो गया टाइम पीरियड, L हो गया लेंथ और g जो है एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। तो यहां पे ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला, शॉर्ट पर थोड़ा आप लोगों को मैं बता रहा हूं। टाइम का डायमेंशनल फार्मूला क्या, टाइम तो एक ही है, यहां पर मास नहीं है तो मास 0, लेंथ नहीं है तो L 0, टी है तो t^-1, इसका डायमेंशनल फार्मूला ये हो गया। राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे, 2π का कांस्टेंट है इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा नहीं, ये L है,
लेंथ हो गया, लेंथ का एक्सप्रेशन क्या होगा मीटर, ये हो गया एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटी, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटी जी है, तो हम जानते हैं एक्सप्रेशन मीन्स होता है त्वरण, त्वरण का एसआई क्या होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, नीचे में लिख लेते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऊपर में रूट लगा के रूटे रहने देंगे हम, मीटर बटा के बटा पलट करके गुना हो जाएगा एस स्क्वायर, नीचे में क्या हो जाएगा आपको मीटर, एम से एम कैंसिल, रूट अंदर एस स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पर आपको क्या हो गया एस, एस आपको जानते हैं सेकंड जो है टाइम का एसआई यूनिट होता है, वॉल्यूम पर यहाँ पर सेकंड ही है, इसका टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा एम एल टी, मास नहीं है तो जीरो, लेंथ नहीं है तो जीरो, टाइम है तो ये, आप लोग देख रहे हैं इधर भी डायमेंशनल फॉर्मूला और इधर भी दोनों साइड के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है करेक्ट है। देखो बच्चों मैं आप लोग को जो कुछ भी बता रहा हूँ उसको कॉपी पेन लेकर के बैठिए और उसको नोट्स कीजिए, पटना या कोटा कहीं पे भी जाइएगा आप लोगों को तो शायद आपको इसी तरह के पढ़ाए जाते हैं और इसी प्रकार के नोट्स आपको कोशिश करेंगे जो आप लोगों को हम एक प्रकार से जो पूरा के पूरा जो है आप लोगों को बीच में हम पेश कर पाऊं, तो आप लोग सीरियस होकर के पढ़े और मैं ये भी गारंटी लेता हूँ जो अगर आप लोग एवरीडे बैठ करके फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी आप लोगों को मैं बताऊंगा, मैथमेटिक्स में भी तोड़ निचोड़ करके बढ़िया से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, और अगर आप लोगों का यह मेरा अच्छा लगता है पढ़ाई तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें ताकि मोटिवेशन होगा तो आगे होकर के मैं और भी अच्छा बेहतर तरीके से मैं इनको वर्क करने के लिए कोशिश करूंगा। धन्यवाद।